नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की चार बड़ी खबरें। पहली खबर है, क्या चंपाई बीजेपी को चमकाएंगे, सबसे पहली खबर आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी खबर होगी, झारखंड विधानसभा का गुड़ा गणित क्या है वो भी आपको समझाएंगे। लेटरल एंट्री पर सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है आप तक पहुंचाएंगे। बाहुबली वाली सियासत को भी आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल हो गया है। पिछले तीन दिन से झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन को लेकर जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ था उस पर से पर्दा उठ गया है। खुद चंपाई सोरेन ने अपना जो पत्ता है वो खोल दिया है। दिल्ली पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। चंपाई सोरेन ने लिखा कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ, मैं पहली बार भीतर से टूट गया हूं, आत्मसम्मान पर चोट लगी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। तो चंपाई सोरेन ने खुली बगावत कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब भी ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं कोई नाराजगी है ही नहीं। चंपाई का नाराज क्यों चल रहा है? कहा कौन बोला नाराज है यार, हमको तो नहीं बताया। मतलब सब ठीक है, अजीब हालत है सर। ऑल इज वेल आपने से सर, ऑल इज वेल बोल दीजिए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्या खराब लग रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लग रहा है। आज इतने लाखों यहाँ लोग थे। तो चंपाई सोरेन जेएमएम में बगावत का ऐलान कर चुके हैं और अब विकल्प तलाशने की बात कर रहे हैं। ऐसे में तीन संभावित विकल्प उनके सामने हो सकते हैं। चंपाई सोरेन के पास तीन विकल्प कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए। तो पहला विकल्प क्या है? राजनीति से संन्यास लेना, जिसका वो ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इसकी उम्मीदें सबसे ज्यादा कम है क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन पहले विकल्प के तौर पर यह कहा जा सकता है कि राजनीति से वो संन्यास ले सकते हैं। अगर दूसरे विकल्प की बात करें तो अपना अलग संगठन खड़ा कर सकते हैं, इसकी भी उम्मीदें बहुत कम है। और तीसरा जो विकल्प है, उनके पास कोई साथी मिले तो आगे का सफर तय किया जा सकता है। और जिसकी जो तीसरा विकल्प है सबसे ज्यादा, उसी की संभावनाएं बनी हुई हैं। सवाल यह है कि अगर चंपाई सोरेन बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर क्या असर पड़ेगा? चंपाई के भाजपा में जाने का असर क्या पड़ेगा? चंपाई के भाजपा में जाने का जो असर है वो सरकार पर पड़ेगा। अब आपको जवाब दिखाते हैं किस तरह से पड़ेगा। चंपाई सोरेन के जाने से फिलहाल सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है। फिलहाल सत्ता पक्ष के पास 45 विधायक हैं और ऐसे में इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब दूसरा सवाल क्या है कि चंपाई सोरेन के जो सवाल दूसरा आपको बता देते हैं कि दूसरा सवाल आखिर क्या है। चंपाई सोरेन के फिलहाल सरकार पर जाने से कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो 45 विधायक हैं उनमें बदलाव का फायदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि सवाल यह है कि इस जोड़ तोड़ से जेएमएम और बीजेपी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? तो जेएमएम और बीजेपी को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, यह सवाल है। जवाब आप जान लीजिए कि क्या नुकसान और फायदा हो सकता है वो आपको बताते हैं। बीजेपी को कोल्हान में मजबूती मिलेगी, कि कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है इन्हें। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है, कोल्हान में मजबूत जेएमएम को परेशानी हो सकती है। अब ऐसे में एक और सवाल उठ रहा है, अगर चंपाई सोरेन बीजेपी में चले जाते हैं तो बीजेपी को कोल्हान में मजबूती मिलेगी, हमने आपको बता दिया। अब सवाल है, चंपाई के साथ जाने वाले जो विधायक हैं उनको क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? अगर चंपाई के साथ कुछ और विधायक टूट के जाते हैं तो उनका जवाब बता देते हैं। बीजेपी को कोल्हान में मजबूती तो मिलेगी, साथ ही अभी पार्टी छोड़ते हैं तो छवि पर असर पड़ जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाली गीता कोड़ा उदाहरण है। चुनाव के पहले जेएमएम छोड़ा, लोकसभा चुनाव हार गई, एक ये असर हो सकता है। अभी पार्टी छोड़ते हैं तो छवि पर असर पड़ना लाजमी नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाली गीता जो कोड़ा थी उनकी छवि पर वो फर्क पड़ा था। अब एक और सवाल उठ रहा है, वो सवाल क्या है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको सवाल दिखाते हैं, सवाल क्या है। सवाल लगातार उठ रहे हैं और जो सवाल है वो क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अब स्क्रीन पर वो सवाल आएगा, बीजेपी की छवि
पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर बीजेपी में ज्वाइन करवाते हैं चंपाई सोरेन को, तो बीजेपी की छवि पर क्या असर पड़ेगा? अब इसका जवाब समझ लेते हैं कि जवाब क्या होता होगा। जेएमएम की ओर से आदिवासी सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगेगा, ये जेएमएम लगाएगी। जेएमएम की ओर से बीजेपी की ओर आदिवासी जो वोटर हैं वो खिसक सकते हैं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ आदिवासी नेता वो चंपाई सोरेन है, जेएमएम पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है बीजेपी। ऐसे में बीजेपी को भी इसका फायदा मिलेगा कि वो ये कह सकती है कि जो चंपाई सोरेन है उनके साथ ठीक नहीं किया गया। अब जरा झारखंड विधानसभा में संख्या का जो गुना गणित है वो समझ लीजिए। झारखंड में विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और क्या गणित है अगर चंपाई सोरेन पार्टी को छोड़ देते हैं, तो कुल सीटें जो है वो 81 है, बहुमत का जो आंकड़ा है वो 41 है और कुल जो सीटें वो 81 है। जैसा हम बता रहे हैं बहुमत चाहिए होता है 41 पर, सरकार के पास फिलहाल 45 का आंकड़ा है, विपक्ष के पास 29 का आंकड़ा है। ऐसे में बहुत बड़ा फर्क चंपाई सोरेन के जाने से नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चंपाई सोरेन कुछ और लोगों को साथ ले जाते हैं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। सरकार के साथ कौन कौन है वो समझ लीजिए। सरकार के साथ जेएमएम, उनके अपने 26 विधायक हैं, कांग्रेस उनके 17 विधायक हैं, आरजेडी का एक विधायक है, सीपीआईएमएल का एक विधायक है। टोटल ये जो गणित है वो 45 हो जाता है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास क्या क्या है, विपक्ष के पास है बीजेपी के अपने 23 विधायक हैं, आजसू के 3 हैं, अदर जो निर्दलीय जीते थे उनके वो 2 हैं, एनसीपी का 1 है, ये टोटल पहुंचता है 29। तो 45 बनाम 29 की ये लड़ाई है। फिलहाल अगर चंपाई सोरेन चले जाते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर झारखंड विधानसभा का गुणा गणित आपको समझाएं तो झारखंड विधानसभा में कुल 7 सीटें फिलहाल खाली हैं। ऐसे में 4 विधायक सांसद बन चुके हैं, वो सीटें खाली हैं, और अगर कुछ और बात करें तो 3 नेताओं की विधायकी जा चुकी है, 4 सांसद बन चुके हैं, 3 की विधायकी जा चुकी है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सदस्य होते हैं जिनमें से 7 सीटें खाली है। सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, जेपी भाई पटेल, इनकी सदस्यता जा चुकी है। किन किन की सदस्यता गई है? सीता सोरेन की गई है, लोबिन हेम्ब्रम की गई है, जेपी भाई पटेल, इनकी सदस्यता जा चुकी है। 3 विधायकों की जो सदस्यता खत्म हो चुकी है वो 3 नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर है। सीता सोरेन है उनमें, लोबिन हेम्ब्रम है, जेपी भाई पटेल है, इन तीनों की सदस्यता जा चुकी है। अगर चंपाई सोरेन के इस पूरे प्रकरण को देखते हुए झारखंड विधानसभा का गुणा गणित समझना होता तो हमने आपको समझाया झारखंड विधानसभा में कुल 81 जो विधायक हैं, बहुमत के लिए सरकार को 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। फिलहाल झारखंड विधानसभा में 7 सीटें खाली हैं, यानी अभी विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है 7 सीटें खाली है तो 74 रह जाती है, क्योंकि कुल जो आंकड़ा है वो 81 का है। ऐसे में अभी बहुमत साबित करने के लिए 38 विधायकों का समर्थन चाहिए। फिलहाल सत्ता पक्ष के पास कितने हैं? 45 विधायकों का समर्थन उनको मिला हुआ है। ऐसे में चंपाई सोरेन चले भी जाते हैं तो सरकार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। नौबत नहीं आएगी कि हेमंत सरकार को आसानी से बहुमत हासिल करने में। ऐसे में सवाल है कि चंपाई सोरेन के आने से फिलहाल कोई असर पड़ेगा क्या? फिर कोई चंपाई सोरेन के लिए बीजेपी आश्वान्वित क्यों है? अगर चंपाई सोरेन बीजेपी में जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा, यह भी बड़ी सवाल है। तो कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें हैं, कोल्हान जेएमएम का गढ़ माना जाता है, कोल्हान में बीजेपी के हाथ फिलहाल खाली है। चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। 2005 के बाद से चंपाई सोरेन लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। चंपाई सोरेन बड़ा आदिवासी चेहरा है, चंपाई के हटने से जेएमएम को बड़ा नुकसान संभव है। पूरे कोल्हान में जेएमएम कमजोर पड़ सकती है। सीएम पद से हटाए जाने के बाद चंपाई नाराज थे, बीजेपी लगातार चंपाई पर डोरे डाल रही है। अब चंपाई सोरेन ने पोस्ट लिखकर खोली बगावत कर दी है। ऐसे में अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो कोल्हान में इसका बड़ा असर पड़ना नजर आ रहा है। और बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार पूर्व विधायक सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बेटे विशाल प्रशांत के साथ सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दोनों को पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। विशाल प्रशांत जी का और श्री सुनील पांडे जी का पार्टी में स्वागत करते हैं। विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई 4 सीटों पर बिहार में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है।
उसके पहले नेताओं का इधर से उधर और उधर से इधर आना जाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में एलजेपी पारस गुट के नेता और बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार पूर्व विधायक सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। अपने बेटे विशाल प्रशांत के साथ सुनील पांडे ने बीजेपी की सदस्यता ली। मैंने सुनील भाई से कहा कि आप नए जनरेशन विशाल प्रशांत जी को भारतीय जनता पार्टी में सुपुर्द करें, उनको पार्टी ज्वाइन कराएं, और उन्होंने अपनी सहमति दी कि विशाल प्रशांत भी भारतीय जनता पार्टी के अब सम्मानित कार्यकर्ता और नेता होंगे। बिहार में जिन चार सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है उसमें एक तरारी विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। सुनील पांडे तरारी से चार बार विधायक रहे हैं और माना जा रहा है कि तरारी विधानसभा सीट से इस बार सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को टिकट देने पर बीजेपी से सहमति बन गई है और वो तरारी से चुनाव लड़ सकते हैं। आपके लड़के ने पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या राजनीति उनके माध्यम से भी आगे या अब आगे का भविष्य आगे देखा 24 में क्या ऐसी आगे का भविष्य आगे देखा कैसा होगा बता दिया जनता का समर्थन पार्टी निर्णय करेगी। लंबे समय तक जेल में रहे सुनील पांडे की गिनती बिहार के बड़े बाहुबली नेताओं में होती रही है। सुनील पांडे का नाम हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण सहित कई कांडों में शामिल रहा है। यहां तक कि 1998 में मुंगेर से 20 AK-47 राइफल मिली थी। इस AK-47 कांड से भी सुनील पांडे का नाम जुड़ा था, जिसका खुलासा NIA की जांच में हुआ। सुनील पांडे की गिनती बाहुबलियों में होती रही है, ऐसे में सुनील पांडे को टिकट देने को विपक्ष सियासी मुद्दा बना सकता है। लिहाजा सुनील पांडे के साथ उनके बेटे विशाल प्रशांत ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है, ताकि विपक्ष को राजनीतिक माहौल बनाने का मौका न मिले। वैसे सुनील पांडे बिहार के कोई इकलौता नेता नहीं है जिनकी छवि बाहुबलियों वाली हो। कमोवेश सभी पार्टियों के साथ कोई न कोई बाहुबली जरूर जुड़ा हुआ है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में बाहुबली वाली सियासत को समझिए। बिहार में हर पार्टी के साथ कोई ना कोई बाहुबली नेता जरूर जुड़ा हुआ है। कभी बाहुबली नेताओं की जीत की गारंटी माना जाता था, लेकिन आज के समय में स्थिति काफी बदल चुकी है। फिर भी बिहार में कई नेता हैं जिन्हें बाहुबली कहा जाता है। आनंद मोहन को बाहुबली माना जाता है। आनंद मोहन जेडीयू सांसद लवली आनंद के पति हैं। अमरेंद्र पाड़े जेडीयू के विधायक हैं, इन्हें भी बाहुबली कहा जाता है। रूपौली से निर्दलीय जो विधायक हैं शंकर सिंह को भी बाहुबली माना जाता है। शंकर सिंह ने जेडीयू को समर्थन दिया है। सुरेंद्र यादव को भी लोग बाहुबली कहते हैं, ये आरजेडी से सांसद हैं। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को भी बाहुबली माना जाता है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी कभी बाहुबली नेता कहा जाता है। पप्पू यादव कांग्रेस के समर्थक हैं। मुन्ना शुक्ला आरजेडी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अनंत सिंह जेडीयू के समर्थक हैं। सूरज भान सिंह एलजेपी पारस गुट के बड़े नेता हैं, इनको भी बाहुबली नेता माना जाता है। अशोक महतो को बाहुबली माना जाता है, उनकी पत्नी मुंगेर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। मतलब ये कि सभी पार्टियों में कोई ना कोई बाहुबली विधायक जरूर है। और यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नियुक्ति निकाली है, जिस पर सियासत तेज हो गई। आरजेडी समेत पूरा विपक्ष इसे संविधान और आरक्षण के साथ मजाक बताते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो जेडीयू नेताओं ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नियुक्ति निकाली है। इस बहाली प्रक्रिया के जरिए अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव से लेकर निदेशक स्तर के अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इसके खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि इस भर्ती में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। कांग्रेस और आरजेडी सहित तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। 50-55 आईएसओ की डायरेक्ट नियुक्ति होगी, जो डायरेक्टर रैंक के होंगे, डिप्टी सेक्रेटरी और
एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में पदस्थापित किए जाएंगे। इसमें आरक्षण के कोई प्रावधान नहीं है। अगर इसमें आरक्षण का प्रावधान होता तो 22 से 23 लोग उसमें एससी एसटी और ओबीसी के लोग जाते। आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि ये बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर होने जा रही है और जानकारी के अभाव में तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के तमाम नेता गाल बजा रहे हैं। किसी भी चीज को बिना सोचे समझे कह देना और उसके बाद आपके पार्टी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी चापलूसी में उसी बात को आगे बढ़ा देना, यही तो राष्ट्रीय जनता दल का आज के दिन में बिहार के प्रति दायित्व तो हो गया है। थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ले, अगर जरूरत पड़े तो मुझसे कहें, मैं उसमें आपकी मदद कर दूंगा। वहीं जेडीयू ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। हालांकि पार्टी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर समाज में गलत फहमी फैलाने का आरोप लगाया है। सभी वर्गों के, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी मजहब के हो या किसी भी वर्ग के लोग हो, जिनके पास अनुभव और योग्यता है उन्हें सरकारी सेवा में लेने की व्यवस्था की गई है, ताकि देश का जो विकास हो रहा है उस देश के विकास में और तेजी आ सके और इन लोगों के अनुभव का लाभ, इन लोगों के योग्यता का लाभ देश को मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी भर्ती है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है और क्या होता है लेटरल एंट्री, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। इसमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक या उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है। इसे सीधे नियुक्ति कहा जाता है। लेटरल एंट्री के जरिए बिना किसी एग्जाम के सिर्फ इंटरव्यू और अनुभव के आधार पर कोई भी अनुभवी व्यक्ति इस पद पर नौकरी पा सकता है। ये सरकारी नौकरी 3 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। वैसे सिविल सर्विस एग्जाम पास करने और सिविल सर्वेंट के रूप में लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद अधिकारी को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फ्रांस में एक एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। आसमान में करतब दिखा रहा प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में पायलट की भी दर्दनाक मौत हो गई। एक रिपोर्ट। फ्रांस में एयर शो के दौरान हादसा, प्लेन हो गया क्रैश। एयर शो के दौरान उस वक्त दर्शकों की धड़कनें रुक गई जब हवा में उड़ रहा प्लेन अचानक गोते खाने लगा और महज कुछ ही सेकंड में क्रैश होकर समंदर में गिर पड़ा। हादसा कितना भयंकर था उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पायलट प्लेन को नियंत्रण में नहीं रख सका। आसमान में उड़ रहा प्लेन अचानक तेजी से नीचे की ओर आया और पलक झपकते ही पानी में समा गया। दुर्घटना वाली जगह पर कई फीट ऊपर तक पानी उछल कर आया। प्लेन को उड़ा रहे पायलट की भी दर्दनाक मौत हो गई। बाद में पायलट के शव को बरामद कर लिया गया। प्लेन क्रैश होने के बाद एयर शो को भी रद्द करना पड़ा। हादसे के पीछे की वजह की जांच पड़ताल की जा रही है। एयर शो मित्र देशों की सेना के डीडो लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था। 16 अगस्त की ये घटना है। दक्षिण फ्रांस में एयर शो चल रहा था। एयर शो में फ्रांस की वायु सेना की एरोबैटिक्स टीम शामिल थी, जिसने दुर्घटना के बाद अपना शो रद्द कर दिया। फ्रांसीसी वायु सेना के मुताबिक फोगा मैजिस्टर विमान फ्रांसीसी वायु सेना की फ्लाइंग टीम के साथ उड़ रहा था, लेकिन इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। इस पुराने विमान में इंजेक्शन सीट नहीं थी, जिससे पायलट के बचने की संभावना भी नहीं थी। पायलट प्लेन में ही फंसा रह गया और वो अपनी जान नहीं बचा पाया। कहा जाता है कि ये विमान दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। इसका इस्तेमाल फ्रांस की वायु सेना में ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो खबर तो समझिए, मैं आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।